तो ये वाला क्रैश था ये। सो ये गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा डीसी। तो गाइज आज आ रहे हैं व्लॉग करने। दो दिन से धूप चल रही थी, आपको पता है, धूप बोल रहा हूँ सॉरी, बारिश चल रही थी, इसलिए व्लॉग नहीं कर पाए। साथ में आज का व्लॉग भी आरएस पे ही होने वाला है, क्योंकि आरआर तो आज भी मेरे पास नहीं है। तो बाकी आप नाराज हो जाओगे उसके लिए सॉरी, वो देखो पीछे आरएस लगी हुई है। तो आरआर मैं लेके आऊँगा, एक दो हफ्ते लग जाएंगे, अब उसके बाद आएगी। बाकी चलते हैं कहीं पर व्लॉग करते हैं छोटा। सो गाइज निकल रहे हैं, तो आरएस वो लगी हुई है। मेरा मन कर रहा है मैं आज आरएस पे ना व्लॉग करूं, V3 बोस की बाइक एकदम मस्त हो गई है। ओहो नाम लिया और V3 बोस हाजिर, गुड मॉर्निंग। ये देखो एक और नया हेलमेट लेके आया आज V3 बोस बाइक। आज मैं आपकी बाइक पे व्लॉग करूंगा, ठीक है, आपकी बाइक पे व्लॉग करूंगा। कहाँ आ रहा है, हद हो गई है, तू क्या झूठ बोल रहा है। आ रहा आइए गाइज, देखो सरप्राइज गाइज, ये देखो यार आ गई आपकी आर। आपके कहने पर मैं कल गया और बाइक लेके आया हूँ, और ये देखो V3 बोस की बाइक। मैंने आपको बोला था ना कि एकदम बॉम्ब बन जाएगी वो, तो चलो वो भी अपनी बाइक है, बट ये देखो आरआर भी बिल्कुल, वो तो न्यू ही है। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, तो इसको देखो आप यार, मैंने आपको बोला था बस कुछ दिनों में V3 बोस की बाइक न्यू होने वाली है, तो देखो बॉम्ब हो गई है। तो आपके लिए मैं आरआर को भी कल वापस लाया, इसलिए ना न्यू हेलमेट सब कुछ ओके, आज की राइड बॉम्ब होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ, बाइक दीवार से टच हुई थी, क्लच थोड़ा सा टूट गया था, और ये इंडिकेटर का शीशा, ये चेंज करवाना है। तो घूमर जाएंगे तो अच्छी सी राइड करेंगे आज आपके लिए। तो मिलते हैं सीधा आपको हाईवे पे। सो गाइस फाइनली निकल गया राइड पे, तो पहले जाऊंगा मैं घूमर जैसा आपको मैंने बताया। ये देखो यार क्लच लीवर के साथ क्या हो गया, टूट गया। तो अब पता नहीं घूमर से इसका पार्ट मिलेगा या नहीं भी, तो चलो कोई बात नहीं, फिर आगे टीवी शोरूम पूछ लूँगा। दीवार के साथ खड़ी हुई पता नहीं क्या हुआ यार, थोड़ा उस तरफ हो गया, कुछ समझ नहीं आई। तो इस तरफ का जो इंडिकेटर था तो वो भी थोड़ा सा क्रैश हो गया, तो उसको भी ठीक कर लेंगे। बाकी V3 बोस की आप डायल चेक करो, आप देखो पुराने वाले V3 बोस लग रहे हैं, मतलब इनकी बाइक मैंने आपको बोला था बस कुछ ही दिनों में नहीं होने वाली है। तो मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था, मैं जब V3 बोस अपनी बाइक लेके आएंगे देन तब मैं भी अपनी बाइक ना लेके आ जाऊंगा। तो आज तो हमने आरआर पे कहर मचाना है, तो मेरे को बड़े दिनों के थे आरएस की आदत पड़ी हुई थी आपको पता है, तो इसमें पावर थोड़ी आरएस से काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा होता है क्योंकि आरएस को फुल एक्सीलेटर दे के कुछ ना कुछ कर लेता है, उसको थोड़ा सा एक्सीलेटर दूँ तो आपको पता ही उड़ती है हवा में। तो बाकी तो आजकल वैसे जम्मू में काफ़ी बाइकें चल रही हैं, तो अपने इस घोड़े को मिस कर रहा था, आ गया ये भी घोड़ा, तो अब हम भी कुछ करेंगे। तो पहले ट्रैफिक वालों का सामना करना पड़ेगा, सामने खड़े हुए हैं ये तो जीने नहीं देंगे, बट हमने तो निकलना है इधर से, हम क्या करें। आ जाते हैं बीच में पकड़ने के लिए, दौड़ के आते हैं दौड़ के। हेलमेट शेलमेट वेयर किया हो ना तो फिर भी इन्होंने आना ही होता है, ये ऐसे नहीं जान देते, रोकेंगे पूछेंगे ये है वो है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता पूछने बताने का। बंदे आगे से मुड़ के वापिस आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आगे नाका लगा हुआ है, पता नहीं क्या सीन है। ये देखो क्या हुआ यार, देखा प्यार से निकला गाइस, बिल्कुल प्यार से निकला, और इन्होंने ओए आगे आगे फोन कर दिया उन्होंने, निकल इधर से नीचे ले ले, आगे फोन किया इन्होंने यार, देख यार दिमाग खराब करते हैं बेफालतू में यार। देख गाइस मैं बिल्कुल आराम से चल रहा था ना, आपको पता है, आगे भी नंबर पीछे भी नंबर, हेलमेट भी वेयर किया है, बस देखा यही सीन है। इसलिए आप बोलते हो ना अंकू तू भागता क्यों है, भाई जब सब कुछ वेयर किया है और क्या, मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था मैं बिल्कुल आराम से, मैंने पूछा भी वापस मुड़ के मैं, सर क्या हुआ, नंबर भी दिखाया सर पीछे नंबर देख लो, हद होगी यार। बाद में यार जब कोई लड़कियां जा रही हो, तीन तीन लड़कियाँ विदाउट हेलमेट जा रहे थे, यहाँ तक कि पुलिस वाले खुद भी विदाउट हेलमेट होते हैं, तब उनको कोई नहीं पूछता, हमने सब कुछ वेयर करके भी जब ऐसा होता है तो फिर यार मैं तो नहीं रुकता, सीधी बात है जब सब कुछ डाला हुआ है। हद होगी यार, सुबह सुबह व्लॉग करने जा रहे हैं, व्लॉग करने दो, नहीं तंग करना ही करना है, कोई बात नहीं करो। सो गाइस हो गया मेरे इंडिकेटर्स का काम, अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। ये देखो ये वाला क्रैश था, ये लगाया बट ये लीवर नहीं मिला। फाइनली इंडिकेटर्स वगैरह लग गए, इधर भी देख लो तो यहाँ से भी देख लो, दोनों तरफ लग गए हैं, खर्चा हो गया सुबह सुबह, बट चलो कोई बात नहीं यार। तो बट ये एक प्रॉब्लम हो गई है, ये क्लच लीवर नहीं मिला, वो दूसरे लीवर्स बता रहे थे बट यार वो लगाने नहीं थे मेरे को, तो अब चलो कंपनी पूछूंगा तो टाइम लग जाएगा, बट चलो कोई बात नहीं एडजस्ट कर ही लूँगा, सही है, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है,
बट फिर भी मन सा नहीं करता चलाने का यार। बाकी आज मैं आपके लिए आरआर लेके आ ही गया हूँ, क्योंकि आप बड़े दिन से बोल रहे थे भाई आरआर आरआर आरआर। देखो आज आपका भाई आपके लिए आरआर लेके आया, तो आज ही ट्रैफिक वालों ने भी सीन कर दिया। देखा ना, मतलब चुप करके जा रहा था तो कैसे आगे पकड़ने के लिए। बट आपको पता ही है आरआर कहाँ जाती है, उनके पास उनको पता है कि आरआर को भी उनकू के पास ही रहना अच्छा लगता है, ट्रैफिक वालों के पास नहीं। अब इधर भी आगे ना आ जाए, इधर भी खड़े होते हैं पुलिस वाले। ये देखो ये पूरी तैयारी में होते हैं, बट अभी नहीं है तैयारी में, अभी इनको खाना शाना खाना है, फिर आएंगे ये तैयारी में। बाकी V3 बोस तो पूरी लहर में है, न्यू हेलमेट, बाइक भी एकदम बॉम्ब हो गई हुई है यार। अब तो मज़ेदार ब्लॉग्स आएंगे। अब सब सोच रहे हैं कहीं जाने के लिए, जम्मू में बारिश वगैरह चल रही है कंटिन्यू, तो बट अब मैं आरआर ले आया हूँ, मैं रोज़ ब्लॉग करूँगा। देखो आगे यूट्यूब का लोगो बना लिया V3 बोस ने, ऐसे ही चिपका दिया। बट मैंने अपने हेलमेट के पीछे जैसे मैंने पुराने हेलमेट पे लोगो बनाया था, ऐसे मैंने इस पे भी बना दिया है। मेरी जैसे कोई नई चीज़ आती है ना, देन उसके बाद वो टूट सी जाती है। अभी आपको पता था लास्ट इधर से मैंने रिंग्स लगवाई थी कैमरा के ऊपर, तो अगर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा ना तो वो भी टूट गई हैं। तो आप बोलोगे यार अंकु भाई क्या हो गया आपको, आप मोबाइल भी नहीं संभाल पाते। कसम से यार रिंग्स भी टूट गई हैं जो इसके ऊपर लगी हुई थी। गाइज अभी कैमरा ऑफ था, तो आपको पता है हमारी जम्मू तभी में बहुत कम पानी होता है, बट आज ये भी फुल हुई हुई है यार। इसका मतलब ठीक ठाक बारिश हुई है पीछे वाली साइड, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो यार गाइज, ये देखो जो बंदे यहाँ पे ऑफ रोड करने आते हैं ना, उनको बोलो आज ऑफ रोड करो, तो फिर माने कि भाई हाँ आप ऑफ रोड करते हो। भाई जो जो बंदे इधर ऑफ रोड करते हैं ना, आज उनके लिए चैलेंज है कि आओ भाई आज करो ऑफ रोड पार। देखो पानी यार, मुझे तो डर ही लग रहा है आगे जाने में कि बीच में ना गिर जाऊँ यार। भाई टोटली फुल है यार, उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक देखो। ओ भाई यार देखो व्यू चेक करो यार, बॉम्ब हैं। पीछे बारिश हुई होगी ना इसीलिए, पिछली साइड उधर बारिश हुई होगी ना इसलिए पानी आया। बट चलो यार गाइज देखो आ गई आपकी RR 310 वापस। जो जो बंदे बोलते थे RR को मिस कर रहे हैं, RR भी आ गई, V3 बोस की बाइक भी आ गई, कहर में चला। बट आप व्यू चेक करो एक बारी पूरी तवी का यार, टोटली फुल है यार टोटली। ओ भाई कैसे हो, ठीक हो? और कैसे हो, ठीक हो? कहाँ से हो? हम इधर सुभाष नगर से। अच्छा सुभाष नगर से हो, ठीक है ठीक है ठीक है। और बताओ, हमने आपको देखा ना? जी जी, राजा डीसी है लग रहा है ना, बट उसने आरएस भी लाई। नहीं नहीं मैंने कल ही लाई है भाई, कल ले आया था मैं। जी 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 जी, कोई बात नहीं। और बताओ बाकी? नहीं 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 बस अभी देख। सो गाइस सब्सक्राइबर भाई मिल गए थे अपने, मिलके अच्छा लगा भाई आपसे। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बैठते थोड़ी देर नेस्कैफे कॉफी वगैरह पीते हैं, देन निकलते हैं। ये बंदा कभी कुछ खिला के राजी नहीं है, तो इसने मेरे को बोला था जिस दिन आरआर लेके आएगा उस दिन हम तुझे कुछ खिलाएंगे। कब खिलाएगा मैं कुछ? ठीक है पूरा रात दूर सो गाइस, कोई वाली रात भी हो ही जाएगी। तो बाकी अभी मैं बताता हूँ हमने क्या लिया है। निकल गए अभी नेस्कैफे से, बैठे हुए थे थोड़ी देर 15-20 मिनट ही बैठ गए, अब निकल रहे हैं। कॉफ़ी सोचा था पीने के लिए बट पी कोल्ड ड्रिंक ली, कुछ नहीं पता था। बट इधर नाका लगा हुआ था, अभी देख रहे थे हम तभी तो ट्रैफिक वाले बैठे हैं। मैंने बोला V3 बोस आ मेरा बैग वेयर कर लो यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है यार इसकी वजह से ना, मेरे से अच्छे से गियर भी नहीं लग रहे हैं यार। तो मौसम तो बहुत ही अच्छा है यार जम्मू में, बट जब बारिश होती है तब अच्छा नहीं लगता, जब बारिश बंद हो जाती है तब अच्छा लगता है यार। तो उसकी वजह से रोड देखो ना एकदम प्रॉपर ओके हो जाती है, उसके गीला रोड होता तो मज़ा नहीं आता। अब आएगा रेस पीछे से, देखना लीन मारता हुआ। ये देखो क्या बोलता मैंने, वो देखो मुझे अपने हर एक राइडर का पॉइंट पता है कि उसमें कौन सा पॉइंट पे क्या करना है। ये इसीलिए पीछे रुक गया था, इसको लीन मारना बहुत ही अच्छा लगता है यार। और ये लीन भी सच में बहुत ही अच्छे मारता है यार, कैंट लीन मारता है, इसलिए मैंने इसका नाम ही लीन मास्टर डाला हुआ है। बहुत अच्छे लीन मारता है ये, और V3 बोस की क्लोज कॉल फेवरेट है, वो भी आपको पता है, मेरा सब कुछ ही है। आराम से आराम से आराम से। ओ शुक्र है स्लो था यार, शुक्र है स्लो था। गाइस देखा, अगर अभी हम तेज हुए होते ना तो बस सच में यार एक ना एक आधा उड़ा ही होता, क्योंकि लीन पे ना बाइक टोटली टेढ़ी हुई होती है, और अगर टेढ़ी बाइक पे आप ब्रेक
एक बारी प्रेस कर दोगे ना तो बाइक ऐसे हाथ से निकलती है यार, सच में। ओ बड़ा मजा आ रहा है राइड करने का आज आरआर पे यार, बड़े दिनों के बाद राइड कर रहा हूँ आरआर यार। ओ रईस मेरे ख्याल से ब्लॉग शूट कर ही नहीं रहा, वो अपने मजे कर रहा है, वो देखो बूम। रईस और शफकत की रेस लगी है, मैं पीछे से देख रहा था, मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ था यार, अभी कैमरा ऑन किया मैंने, वो देखो एंजॉय कर रहा हूँ मैं इनकी रेस, क्योंकि अभी मेरा मूड नहीं है यार चलाने का। अभी एक दो दिन अच्छे से आरआर चलाऊंगा, उसके बाद मैं इसको समझूंगा, अभी मैं इसको समझ नहीं रहा हूँ क्योंकि बड़े दिन से आरआर चला था तो यार मेरे को टाइम लगता है, ये चक्कर है। सो गाइस मैं निकल गया शफकत औरों को बाय बाय करके, क्योंकि मैं रोज़ ही लेट घर जाता हूँ, तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा घर चले जाऊँ साथ में यार, बाइक वगैरह वॉश भी करनी है तो मैंने सोचा जाता हूँ वॉश वगैरह कर लेता हूँ। बाकी बड़े बंदे बोर थे भाई आरआर पे व्लॉग लाओ, आरआर पे व्लॉग लो लो भाई, आ गई आपकी आरआर 310, करो मज़े आप। मैं भी मिस तो बहुत कर रहा था जब मेरी रेस औरों के साथ रेस लगती थी ना 200 cc पे, मिस तो मैं भी बहुत करता था, बट क्या करूँ फिर मैंने बोला यार अब लाई हुई है आर एस तो थोड़े बहुत ब्लॉग्स कर ही देते हैं, उसमें भी कोई चक्कर नहीं। बाकी अब आ गई आर आर तो अब जो मर्जी आए कोई चक्कर नहीं, देख लेंगे। बूम, इसकी हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी है यार, बहुत ज़्यादा। बस एक दो दिन चलाऊंगा तो हाथ में बैठ जाएगी, अभी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है जैसे मैंने आपको बताया ना, बाकी सब ठीक है। सो गाइस फाइनली घर पहुंच गया, आज मैं बहुत जल्दी घर पहुंच गया हूँ, मम्मा भी खुश हो जाएंगे, बोलेंगे आज चांद कहाँ से निकला था ये इतनी जल्दी घर आ गया। तो बाकी अभी फटाफट व्लॉग एडिट करूँगा, आज तो नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि सबको पता है कि मैं सुबह ही 9 या 10 बजे व्लॉग डालता हूँ, तो शाम को क्या फ़ायदा आप देखोगे या नहीं, आपको पता भी नहीं होगा कि शाम को व्लॉग आएगा, तो कोई बात नहीं आपके लिए व्लॉग जाके एडिट करता हूँ तो सुबह 9 बजे व्लॉग मैं डाल दूँगा। तो बाकी मैं कोशिश करूँगा कि अगर बारिश नहीं आई तो मैं आपके लिए कंटिन्यू व्लॉग्स कर पाऊँ। बाकी आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो जो मेरे आरआर के सब्सक्राइबर है तो उनके लिए आरआर ले आया, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।